हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखना ताकि मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक्सरसाइज 1.3 में केवल आपको मिलेगा कि सिद्ध करें रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है रूट 5 सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे सिद्ध करोगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैं आपको एक बताऊंगा कि जैसे मान लेते हैं मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक बता दूंगा उस पर आप कोई भी मतलब आएगा सिद्ध करने के लिए, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, जितना भी क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने के लिए आप सिद्ध कर लो। केवल अगर एक हम बता देते हैं आपको कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी पर आधारित सब होगा। लेकिन इसमें का तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लिखना, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखना कि माना कि, यहाँ पर लिखना माना कि, क्या लिखना है आपको माना कि, यहाँ पर लिखना माना कि, माना कि क्या आपको सिद्ध करना है रूट 5 ना सिद्ध करना। हाँ, इसलिए आप यहाँ पर माना कि, माना कि, माना कि रूट 5, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम मान लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमें तो सिद्ध करना है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लिए कि रूट 5 एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसलिए हो जाएगा परिमेय, इसलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से यहाँ पर आप लोग लिख लेना, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से यहाँ पर आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, अब क्या है रूट 5 है, ये रूट 5 है, तो रूट 5 बराबर आप पी बाई क्यू या फिर ए बाई बी, आप कोई भी मतलब दो मतलब पूर्णांक ले सकते हैं, ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू, आप कोई भी मतलब देख सकते हैं, और ब्रेकेट में यहाँ लिख देना, आप यहाँ पर ब्रेकेट में आपको क्या लिखना है, आप ब्रेकेट में यहाँ पर लिखना जहाँ पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू स अभाज्य पूर्णांक है, स अभाज्य पूर्णांक है, तथा तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे आप लोग लिख देना। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देना और उसके बाद से आगे बनाना। अब यहाँ पर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू है, अब यहाँ पर लिखना दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर, यहाँ पर लिखना दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो रूट 5 का वर्ग ऐसे कर देंगे, रूट 5 का ऐसे वर्ग करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू में पी बाई क्यू का ऐसे वर्ग करेंगे, पी बाई क्यू का ऐसे वर्ग करेंगे। ठीक है, पी बाई क्यू का ऐसे वर्ग करेंगे, अब रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और पी बाई क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर को पी 5 से गुणा कर दिए, तो वहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, पी बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, तो आपका 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना, इसलिए परिमेय 1.3 से, आप लोग एनसीईआरटी मैथ में देखना परिमेय 1.3 से ये मतलब सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना इसलिए परिमेय 1.3 से, परिमेय कहाँ से, 1.3 से, तो परिमेय 1.3 से क्या कहता है, ये जो पी स्क्वायर है यहाँ पर लिखना, चूंकि पी स्क्वायर कमा 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर कमा 5 से विभाज्य है, यहाँ पर लिखना विभाज्य क्या है, विभाज्य है, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण 1 नहीं होगा, यहाँ पर लिखना चूंकि पी स्क्वायर कमा 5 से विभाज्य है, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह, इसलिए पी 5 से विभाजित होगा, पी 5 से विभाजित होगा, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित यहाँ पर विभाजित तो होगा लिख दीजिएगा,
होगा। तो ये आपका समीकरण एक हो गया, क्या होगा, ये आपका समीकरण एक हो गया, ये आपका समीकरण एक हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा पुनः, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखिएगा पुनः, पुनः माना कि, पुनः माना कि, पुनः माना कि आपको क्या मानना है, तो आपको पुनः आपको क्या मानना है, पुनः पी बराबर फाइव आप सी मान लीजिए, पी माना कि पी बराबर फाइव सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी का मान कितना है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि पी का मान यहाँ पर कितना है, तो फाइव फाइव सी है, तो फाइव सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर, इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर। तो ये पच्चीस सी स्क्वायर हो जाएगा, पच्चीस सी स्क्वायर बराबर फाइव क्यू स्क्वायर। तो ये पच्चीस पाँच से कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा फाइव सी स्क्वायर के। ऐसे में यहाँ पर जब पी पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है तो पी भी पाँच से विभाजित होगा, वैसे ही आपको क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य है तो क्यू भी पाँच से विभाजित होगा। हमको पी और क्यू दोनों को विभाजित करना है, तभी तो हमको प्रूव होगा कि ये रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर फिर से लिखना परिमेय, परिमेय 1.3 से, परिमेय 1.3 से यहाँ पर लिखना, ठीक है। और उसके बाद से लिखना चूँकि क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, पाँच से विभाज्य विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए क्यू पाँच से विभाजित होगा, क्यू पाँच से विभाजित विभाजित यहाँ पर विभाजित होगा, लिख देना है विभाजित होगा। ये आपका समीकरण दो हो गया, क्या हो गया, ये आपका समीकरण दो हो गया। अब दोस्तों देखिए, समीकरण एक और आपको लिखना है, समीकरण एक और दो से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लिखना, यहाँ पर क्या आपको लिखना है, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और, समीकरण एक और समीकरण दो से यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि, यहाँ पर लिखना समीकरण एक और दो से यह स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता, क्या लिखना है आपको, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता क्या हुई, गलत गलत हुई, अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अप्रूव्ड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए, आप यहाँ पर गौर से देखना, अगर आपके बोर्ड में रूट फाइव ना दे, रूट टू दे या फिर रूट थ्री दे, तो आप जैसे लिखो वैसे ही लिखना है, ए टू जेड आपको वैसे ही लिखना है, बस आपको जहाँ फाइव है वहाँ थ्री देना होगा, जो भी मतलब दिया होगा, रूट थ्री दिया होगा तो आप रूट फाइव की जगह रूट थ्री डालना, जहाँ जहाँ है। अब यहाँ पर पी बराबर फाइव सी मानना है तो वहाँ पर रूट थ्री की जगह पर आप पी बराबर थ्री सी मानना और वहाँ से बनाना, ठीक आपको वैसे ही बनाना है जैसे रूट फाइव बना है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब प्रश्नावली 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी देख लीजिए, कभी कभी आपके बोर्ड में वो भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आ भी गया है, आ सकता है नहीं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, ये इससे आधा में है और इससे रूट 5 से हल्का ये है, ठीक है, और ये आएगा आपके अथवा में आपके बोर्ड में, तो आप इसी को बनाना, बहुत हल्का है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आप देखिए, तो सबसे पहले आपको मानना क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसी को आप यहाँ पर मान लीजिएगा, सबसे पहले मानिए क्या, माना कि यहाँ पर आपको वही काम करना होगा, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय, यहाँ पर मान लेना एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा
से, तो यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं लिखोगे कि इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, मैं अभी आपका उसका उदाहरण दूंगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखना सेवन अति थ्री है ना, तो थ्री प्लस 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू या फिर ए बाई बी, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, जहाँ आपको ब्रैकेट में वो लिखना पड़ेगा जहाँ पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू सह, जहाँ पी और क्यू यहाँ पर क्या लिखना, जहाँ पी और क्यू स अभाज्य पूर्णांक पूर्णांक है तथा तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हो गया। तो आप आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर आगे वर्ग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस 2√5 दे दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 ये हो गया, और इसको हम इधर लाएंगे, 3 माइनस p/q नहीं हो जाएगा, p/q नहीं हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो -2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2√5 हो गया। अब माइनस को इधर लाएंगे तो p/q हो जाएगा, p/q -3 हो जाएगा, इक्वल टू 2√5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको बटा का जोड़ बनाइए, आप बटा का जोड़ को आपको आता होगा, तो p-3q/aq हो जाएगा, इक्वल टू 2√5 हो गया, ठीक है, 2√5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दो को इधर ला कर गुणा कर दीजिए, p-3q/2q इक्वल टू 2√5, केवल आपका 2√5 यहाँ पर बच गया, क्या बच गया, केवल आपका 2√5 बच गया। अब यहाँ पर लिखना, अब यहाँ पर लिखना, चूंकि a, b पूर्णांक है, क्या है, a और b ब्रैकेट में आपको लिख दिए हैं हम कि a और b पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और b पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखना, चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए a और b पूर्णांक है, चूंकि इसमें ए और बी नहीं लिखना, यहाँ पर क्या है, पी और क्यू है, तो यहाँ पर पी और क्यू ना होगा, पी और क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी और क्यू, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है, तो ब्रैकेट में हम पी और क्यू स्वाभाज्य पूर्णांक लिखे हैं, तो इसमें भी पी है और इसमें भी क्यू है, तो चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसलिए p-3q, इसलिए p-3q/2q, 2q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक में है, तो ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखना, इसलिए एक परिमेय, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर लिखना, परिमेय संख्या है तो अतः, यहाँ पर लिखना, अतः √5 भी परिमेय संख्या, परिमेय क्या हो जाएगा, √5 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक इसके कारण √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखना, लेकिन यह यहाँ पर लिखना, लेकिन यह तथ्य विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसा अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन यह तथ्य विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखना अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लास्ट में लिखना, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर आपका ये भी प्रूव्ड हो गया। देखिए दोस्तों, वहाँ से ये काफ़ी हल्का है, ठीक है, और उसमें से जो ये हल्का है वो काफ़ी यहाँ पर ये हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर हम लिखे कि चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, जब पी और क्यू जब पूर्णांक ही है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक परिमेय संख्या होगा, जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो √5 भी तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर तथ्य विरोध ये करता है कि हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए तथ्य विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अगले वाले वीडियो में मैं आपको तीन नंबर में जो तीन क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसे देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अब अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।